रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है जी मेरे घर दावत और यहाँ पर हो रही है दावत की तैयारी। तो दावत की तैयारी स्टार्ट की है मैंने अर्ली मॉर्निंग से। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो मैंने घी डाल दिया, फिर 4 किलो गाजरें कश करके डाल दी। जब गाजरों का पानी ड्राई हुआ तो मैंने इसमें इलायची पाउडर, थोड़ा सा लौंग का पाउडर, 2 से 3 चुटकी के जितना सिर्फ, या 4-5 लौंगों को पीस लें, और 1 कप चीनी अब मैंने डाल दी। और अब इसकी मैं भुनाई करती रहूँगी। और ये इलायची मैंने 20 इलायचियों को पीस के डाल दिया और इसको मैं अब अच्छा सा भूनूँगी। तो अर्ली मॉर्निंग मैंने क्यों स्टार्ट की, मैंने एक दिन पहले से स्टार्ट करनी थी रात से, लेकिन बस मेरा पिछला दिन इतना मसरूफ़ गुजरा, इतना बिजी, अचानक से इतने ज़्यादा काम आ गए कि मैं कर नहीं पाई। और फिर मैंने ये सुबह में स्टार्ट किया। और यहाँ मैंने अखरोट और बादाम डाल दिए थे, हलवे की भुनाई हो गई थी, डन हो गया हलवा। बस खोया बाद में ऐड करूँगी। यहाँ मैं मछली को मसाला लगा रही हूँ। ये जो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लिया बेसन का। फिर इसके अंदर मैंने डाला है धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून चाट मसाले के डाले हैं, और इसमें मैं 1 टीस्पून डाला है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन डाली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने क्या डाला था, नमक का, और सूखी मेथी डाली है। और ये सब चीज़ें डाल के ना मैंने अच्छा सा मिक्स करके मसाला लगा के रख दिया। हल्दी मेरे पास थी नहीं, वो भी डाल दें कलर के लिए। और इसको मैंने मसाला लगा के रख दिया। और ये मछली मेरे पास थी 2 किलो। अब मैं यहाँ पे कीमा मटर बना रही हूँ। और मैंने प्याज ब्राउन हुआ तो उसमें कीमा डाल दिया, फिर थोड़ा सा कीमा भुना। उसमें अब मैं लहसुन का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट और 3 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर कुटा हुआ हो तो फिर 2-2 चम्मच जाएगा। यहाँ पर हल्दी नहीं है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, दूसरी लाल मिर्च है, नमक है, और इसके अंदर ये धनिया पाउडर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के। हल्दी तो मेरे पास थी नहीं और मुझे याद ही नहीं रहती कि हल्दी जो है ना, इस बार मैं लेकर नहीं आई, तो बस कच्ची हल्दी थी वो मैंने कश करके डाल दी। फिर इसकी मैंने बहुत अच्छे से भुनाई की। इसमें टमाटर डाले, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा टमाटर छिलका उतार के डाले थे, क्योंकि अगर छिलका हो तो फिर वो भुनने के बाद बहुत बुरा लगता है। और आप किसी दावत के मेन्यू में तो इस तरह का खाना फिर रख नहीं सकते कि जो इस तरह के लुक दे रहा हो। फिर मैंने इसमें 1 किलो मटर डाल दिया अच्छा सा भुनने के बाद। और फिर मटरों को भी भून के फिर उसमें मैंने डाला है 2 कप पानी। इसको अब पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अचारी पनीर आलू, और ये भी बहुत मज़े का बनेगा। और ये एक साइड डिश है मेरी। तो यहाँ मैंने ऑयल डाला सबसे पहले। और ये पनीर जो है, मैंने 2 किलो दूध का पनीर बनाया था और इसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब इसको मैं करूँगी फ्राई। तो इसको बस फ्राई कर लेना है पनीर को। और जब ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरह से इसका प्यारा सा कलर आ गया। उसके बाद मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू लिए थे, उनको भी इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया। और फिर मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ढक्कन इसलिए ढांपा है ताकि आलू गल जाए। और आलू गल गए तो फिर उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पाउडर, पाउडर नहीं है, पेस्ट, और 2 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। और इसको बस अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। और ये बहुत मज़े का बनेगा और फटाफट क्विक। आप घर का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शान का या अचार गोश्त मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून निकालने के बाद बाकी पैकेट मैंने इसमें डाल दिया। फिर यहाँ भी मैंने टमाटर, तकरीबन 7 से 8 अदर टमाटर छिलका उतार के लिए वो डाल दिए। जब टमाटर गल गए तो मैंने आधी प्याली दही की इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर उसको भून लिया। जब ऑयल निकलने पर आया साइड पर तो मैंने ये पनीर डाल दिया। आप चाहें तो बिल्कुल लास्ट में जब आपने सर्व करना हो तो तब भी आप पनीर को डाल सकते हैं, ताकि वाइट पनीर जो है ना वो सेपरेट से नज़र आए। अब जो मसाला 2 टेबलस्पून निकाला था उसमें 2 नींबू का रस निचोड़ रही हूँ। मिर्चें मैंने मोटी वाली ले ली हूँ, उसमें से बीज निकाल दिए। अच्छा, पहले मैं 1-1 नींबू को निचोड़ के और मसाले को मिक्स करके चेक कर रही थी, ताकि जो है ना मुझे पता चल जाए कि कितना लेमन मैंने और इसके अंदर डालना है। तो बस 2 ही लेमन गए हैं और मसाला जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब इसको मैं इन मिर्चों के अंदर जो है फिल कर लूँगी और मिर्चों में से बीज निकाल लेने हैं। और ये आजकल मिर्चें ज़रा थोड़ा मुश्किल से ही मिलती हैं, मोटी वाली मिर्चें। तो ये अचार गोश्त के अंदर लाजमी यही वाली अच्छी मज़े की लगती है, मसाले की भरी हुई। और मसाला आप घर का भी आसानी से बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लास्ट में दम पे मैंने इसके अंदर रख दी मिर्चें। अचार पनीर आलू जो है हमारे अचारी पनीर आलू रेडी हो गए। तो यहाँ पे ये भुन गया कीमा मटर। तो लास्ट में इसके ऊपर मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया और इसको भी मैं साइड पे कर दूँगी। अब यहाँ पर बारी आती है फ़िश टिक्का कढ़ाई की, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, ऑयल में लहसुन और अदरक डाल दिया और उसके बाद बस इसको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, भूनना नहीं है। और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर, 6 अदर टमाटर मीडियम साइज़ के छिलका उतार के डाले हैं और इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर का ये 1.5 टेबल स्पून, सूखी मेथी 1 टेबल स्पून और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च। बाद में भी मिर्चें जाएंगी तो अभी मैंने 1/2 टेबल स्पून डाली। फिर मैंने मछली डाल दी और इसको ना हल्के हाथ से मिक्स करना है और चम्मच कोशिश करें कि तह में चलाएँ और खुला बर्तन लें, मतलब कोई ऐसा बर्तन नहीं लेना जिसमें कि आपकी मछली का कचूमर ही बन जाए। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैंने ढाँप के फिर मैंने इसकी ढक्कन हटाया और अब इसकी साइड जो है ना मछली की चेंज करी हूँ ताकि दूसरी साइड भी कुक हो जाए। जब इस तरह से कुक हो जाएगी तो फिर ये टूटेगी भी नहीं। और जो फ्लेम था मीडियम लो किया हुआ था क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये ऑयल है और जो टमाटरों की ग्रेवी है उसी में ये पक रही है। तो इसलिए तेज़ आंच नहीं रखनी वरना फिर मछली जो है ना वो जल जाएगी। फिर दोबारा से ढाँपती। अच्छा यहाँ पर तो मैं सिंपल ये जो मैंने मटन लिया था 1/2 kg और उस ये भी एक साइड डिश के तौर पे मैं सर्व करूँगी। तो इसमें मैंने जो हम लहसुन अदरक टमाटर सब कुछ प्याज डाल के गोश्त को भून लेते हैं, गल गया तो मैंने ये साग डाल दिया इसके अंदर। और फिर इसमें भी मैंने तकरीबन आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा दही डाला था और उसको भुनाई कर रही थी। और ये देखें जब मछली की दूसरी साइड भी होगी तकरीबन 5-6 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया और ये दही लिया, इसको आधी प्याली दही को फेंट के मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिया है और इसको भी थोड़ा सा बस इसी तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। और इसको मैं फिर दोबारा से पकने के लिए रखूँगी, लेकिन अब जो है आंच मीडियम पे रखूँगी और बस 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन को ढाँपूँगी। फिर उसके बाद क्या करना है, ढक्कन खोल के पकाना है ताकि ये जो दही का पानी है ना ये खुश्क हो जाए। और मछली तो अब गल चुकी है हमारी, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर दही के पानी को ड्राई करना है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो है ना ये बहुत मज़े की बनती है फ़िश टिक्का कढ़ाई और इसे आप मेरी सिग्नेचर डिश कह लेंगी, सबको बहुत पसंद आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर नमक ना मैंने अभी डाला है, नमक मुझे भूल ही गया था और अभी वो पक रहा है। इसी तरह से ढक्कन खुला छोड़ के तो यहाँ मैं चिकन पकोड़ा रेडी कर रही हूँ। मैंने 3 टीस्पून डाले थे इसके तंदूरी मसाला के, तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। और उसी पैन के अंदर मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि इसी में मैंने बनाना है तो इसलिए मैंने इसी में इसको मिक्स कर लिया और चिकन के छोटे पीसेस लेने हैं आपने। और यहाँ पर आप देखें वहाँ मेरा साग जो है गोश्त वो भी भुन रहा है और ये जो हमारी फ़िश है ना इसको मैं अब ढक्कन खोल के इसी तरीके से पका रही हूँ। ये जो दही डाला था उसका पानी सिर्फ ड्राई कर रही हूँ और साग की भुनाई हो रही है क्योंकि उसमें दही डाला था तो उसके पानी को खुश्क कर लेना है, साग को अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर अभी ये जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा ना ये मछली का, तो ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसका जो लास्ट स्टेप है इसमें अभी मैंने हरी मिर्चें 2 से 3 काट के डाल दी हैं और लास्ट में अभी जो है ना इसमें मैं डालूँगी 1/2 टी स्पून या 1 टीस्पून या जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से कुटी हुई काली मिर्च डाल दूँगी। और ये हरी मिर्चें भी थोड़ी स्पाइसी हैं तो मैंने 2 ही काट कर डाली हैं एक दफ़ा। फिर मैं इसको आराम आराम से सारे जो पीसेस हैं ना इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपर जो है ना मसाला सारा इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला पाउडर और जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी एंड में, तो वो इसके ऊपर अभी जाएंगी। और बस ये हमारी फ़िश टिक्का कढ़ाई जो है ना वो रेडी हो जाएगी और ये बहुत आसानी से बन जाती है। और ये जो एक फ़िश की वो जो सर वाली या दूसरी बोटियाँ थी ना उनकी जो हड्डियाँ निकल रही थी वो मैंने निकाल दी थी, रिमूव कर दी थी। और ये गई हैं इसमें काली मिर्चें भी। अब इसका एक लास्ट स्टेप है जो कि ये लाजमी करना है और सारा जो मज़ा है ना वो इसी से आएगा। मैंने एक कोयले को खूब उसको आग पे वो कर लिया था, जला लिया था और फिर इस तरह से उसको स्मोक दे दिया और यह हमारा गोश्त भी यहाँ पर भुन रहा है। फिर ये जो तंदूरी मसाला जिसको मैंने लगाया था चिकन पकोड़ा को, इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल के तो इसको मैंने इस तरीके से ढाँप दिया और ये चिकन का पानी खुश्क हो गया। अपने ही पानी में ये चिकन गल जाएगा, तो इसको मैं निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। इतनी देर में यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने प्याज काट लिया, फिर यहाँ पर इसके अंदर जाएगा ऑयल और सॉरी ऑयल डालूंगी और फिर जब तक कि प्याज जो है फ्राई हो रहा है, और आपको पता है गैस भी माशाल्लाह से इतनी कोई तेज़ आ रही होती है कि बस बंदा क्या ही करे। तो इतनी देर में हम जो है ना वो फ्रूट सैलड बना लेते हैं या फ्रूट चाट कह लें आप। तो ये अंगूर, अमरूद, सेब नहीं थे, सेब हम बिल्कुल ही स्किप हो गए और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे याद आया कि सेब नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता और सेबों के बग़ैर भी बहुत मज़े की बन गई थी। तो ये अंगूर हैं और इसके अंदर अमरूद, केले और इसके अंदर और क्या डाला है, अनार जाएंगे और माल्टे जो है वो उसका जूस बनाएंगे हम। तो अभी ये जो किचन की हालत है, तो आपको पता है जब किचन में काम हो रहा हो, दावत वाला सीन हो और इतने सारे काम हो, तो फिर ऐसी ही हालत होती है। फिर वो नीट क्लीन किचन वाली लुक नहीं कहीं भी आ सकती, क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारे मेरे काम हो रहे। जब प्याज ब्राउन हुआ मैंने चिकन डाला, चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया, फिर मैंने टमाटर डाले, फिर टमाटर थोड़ा सा बस 1-2 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है और अब इसके अंदर जो है शान का बिरयानी मसाला वो ऐड कर दूंगी मैं, और एक्स्ट्रा मसाले मैं ऐड करती हूँ जावित्री पीस कर। तो आज जो है ना, आज बिल्कुल मैं भूल गई थी और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो इसलिए वो मेरे जहन से ही निकल गया। और यहाँ नमक ऐड कर दिया था एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं 1 kg राइस की बना रही हूँ और चिकन जो है 1.5 kg है, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा नमक मैं डालती हूँ। अब जब चिकन पूरा गल गया, पानी उसका खुश्क हो गया, तो अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन, टमाटर कटे हुए, थोड़ा सा प्याज, और बस ये चीज़ें डाल के तो इसके ऊपर मैं राइस बॉईल करके डाल दूँगी। मैं लेयर्स बिरयानी की नहीं बनाती, इसी तरह से मैं नीचे इसको डाल के तो ऊपर जो है ना मसाला वो डाल देती हूँ, सॉरी ऊपर मसाला नहीं, ऊपर चावल डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं राइस बॉईल कर रही हूँ, इसमें लौंगे, दालचीनी, फूल बादियान, ग्रीन वाली इलायची और चंद पुदीने के पत्ते, नमक वगैरह ये डालकर तो ये जो चावल है ना इस पानी में मैं बॉईल कर लूँगी। लेमन भी, आप एक लेमन को भी इसमें स्क्वीज़ कर सकते हैं। जब राइस बॉयल हो गए तो ये मैंने इसके ऊपर जो मसाला बिरयानी का बनाया था ना उसके ऊपर ये राइस की लेयर लगा दी और इसको बस लगा कर तो ऊपर मैं फूड कलर जो है वो ऐड करूँगी। तो मेरी जो आज की दावत है ना इसमें मेन डिशेज़ चिकन बिरयानी, कीमा मटर और फ़िश तिक्का कढ़ाई है। साइड डिशेस में अचारी, पनीर, आलू है और साग गोश्त है, और स्टार्टर्स जो है ना वो अभी आगे चल के मैं बताती हूँ स्टार्टर्स में क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर और येलो फूड कलर जो है वो दोनों कलर डाल रही हूँ इसके ऊपर, और अब ये चली गई दम पे। जैसे जैसे काम ख़त्म होते जाते हैं ना इतना सुकून मिलता जाता है। अच्छा, यहाँ अब मैं सूप बना रही हूँ और यहाँ मैंने इसमें लिया है लहसुन, 5 से 6 जवे लहसुन के, और फिर चिकन बोनलेस साथ मैं कट करके डाल रही थी, क्योंकि मेरा लहसुन जो है ना वो थोड़ा सा ब्राउन होने की साइड पे आ गया था। तो यहाँ मरियम को मैंने कहा था कि तुम इसके अंदर चम्मच चलाती जाओ, तब मैं साथ से चिकन कट करके डालती जाती हूँ। फिर चिकन मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया और ये इसके अंदर मैं मशरूम डाल रही हूँ, क्योंकि ये हमारा चिकन मशरूम सूप बन रहा है। तो ये भी मशरूम भी मैंने कट करके डाल दिए, एक गाजर वो मैंने काट के छोटी छोटी काट कर वो भी डाल दी है इसके अंदर, और इसको तेज़ आंच पे बस स्टर करते जाना है सब्जियों को और इसको चिकन को। और ये हरा प्याज है, ये इसके अंदर मैं इस तरीके से लंबा काट के डाल रही हूँ, या जैसे भी चाहें छोटा काट के डाल दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, और ये बड़े मज़े का सूप बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और अच्छा, मैंने जो आज वैसे सूप बनाना था वो ना वो दूसरा बनाना था, लेकिन फिर आखिरी मोमेंट्स पे सूप चेंज हो गया, क्योंकि मुझे जो सूप के लिए 1-2 चीज़ें चाहिए थी वो मिली नहीं थी। अच्छा, फिर इसमें मैंने सोया सॉस डाला, डार्क सोया सॉस डाला, और इसको यहाँ पर अच्छा सा मिक्स किया, और इसके अंदर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाली हैं कुटी हुई काली मिर्चें। फिर ये मेरे पास यखनी थी, तकरीबन 2 कप यखनी थी, आधा किलो चिकन होगा जिसकी ये यखनी थी, तो वो मैंने डाली, और बाकी का मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और नमक अब डाल रही हूँ। फिर पानी ऐड कर दिया और इसके अंदर और क्या जाएगा, चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन पाउडर के। तो अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर नमक की मिकदार को आपने ध्यान में रखना है कि नमक उस हिसाब से डालिएगा। सॉस भी डाल रहे हैं हम, चिकन पाउडर भी, तो फिर नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल लिया था और 6 से 7 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के इसके अंदर मिक्स करके वो मैंने डाल दिए हैं। जब ये थोड़ा सा कुक हो गया था सूप, तब ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाला है सफ़ेद सिरके का। तो सूप हमारा हो गया रेडी। यहाँ पर चिकन पकोड़ा की जो ऊपर बैटर है ना, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने बेसन लिया, थोड़ा सा इसमें मैंने हल्का, बिल्कुल हल्का सा नमक मिर्च डालना है, क्योंकि अंदर वाला जो हमारी फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा है और ये बैटर बहुत थिक था। ये एक मैंने बस ऐसे किया तो फिर मुझे आइडिया हो गया कि बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैं इसको पतला करके, अगर थिक वाला बनाएंगे तो फिर मज़े के नहीं बनेंगे चिकन पकौड़ा। बस हल्की हल्की लेयर आनी चाहिए पतला। और मेरे ये जो तिलों के साथ भी ट्रेजेडी हो गई थी, तो बस तिल को आपने ना हाथ से लेकर चुटकी से उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा बोटी के ऊपर, तो वो फिर सही रहेगा। वरना इस तरह से ये क्या हुआ था कि इसमें ना ये जैसे घीले घीले से, शायद इसमें पानी लगा, क्या हुआ कि अलग से साइड पे रखा हुआ था, तो इस वजह से ये जो थे ना, अब वो बहुत ही ज़्यादा चिपक रहे थे। दूसरा मुझे जहन में नहीं रहा कि मैं थोड़ा सा हाथ से ही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँ, पूरा कोट ना ही करूँ। तो आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो ये बैटर को मैंने पतला कर लिया था, थोड़ा सा मज़ीद भी मुझे, मतलब इतना पतला हो कि बस हल्की सी इसके ऊपर लेयर आए। तो बस ये चिकन पकोड़ा फ्राई हो रहा है, लेकिन थे बहुत मज़े के। टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, चिकन पकोड़ा बहुत मज़े के बने। तो यहाँ पर बस मैं इसको करके डालती जा रही हूँ। जैसे जैसे आखिरी टाइम आता जाता है ना, लास्ट मोमेंट्स, तो उस वक्त एकदम से ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है कि मुझे ना टेंशन शुरू हो जाती है कि मेरा काम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ तो नहीं, टाइम पे ख़त्म भी हो जाता है, सारी चीज़ें रेडी भी हो जाती हैं, कभी कोई चीज़ कम भी नहीं होती, लेकिन फिर भी टेंशन मुझे बहुत होती है। और एक वो हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही होती है कि अल्लाह करे कि मतलब सब कुछ बहुत अच्छा भी बने और सबको पसंद भी आए और बरकत भी ज़्यादा हो। और बस ये चिकन पकोड़ा बन गए। तो मैंने क्या किया कि अब तकरीबन सारी चीज़ें तो रेडी थी। मैंने यहाँ पर सेट कर दिए बर्तन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने ना किस में क्या डालना है, वो चीज़ें सेट कर लूँ। और सैलेड जो है वो सिंपल सा इस तरीके से बनाया है, सैलेड काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है यहाँ पर। तो अभी इन 2 प्लेट्स में मैंने ऐसे ही रखा है। तो हमें साथ एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत भी पड़ेगी। चेयर्स हमने हटा ली थी और टेबल रखा था, ताकि जिसने भी लेना हो वो लेकर और अपना अपना खाना जहाँ भी जगह मिले बैठकर खाया जा सके। तो ये देखें, ये जो है ना, इसको रिमूव कर दूंगी कोयले को। ये हमारी तैयार हो गई है फ़िश टिक्का कढ़ाई। इसको थोड़ा सा फिर मैंने हल्का नीचे तवा रख के ना गरम, मतलब उसके नीचे चूल्हा जला के तो ऊपर रखा हुआ था। इसको बहुत ज़्यादा चमचे मार मार के गरम नहीं कर सकते हम, या ट्रे में डाल के फिर माइक्रोवेव में रख लें या दूसरे ओवन में गरम कर लें, तो फिर वो बेस्ट रहेगा। वरना बार बार आप इसको करेंगे तो फिर आपकी ये मछली टूट जाएगी। वैसे जिस ट्रे में मैं ये डाल रही हूँ ना, उसका जो, उसमें भी ये गर्म रहेगी। जो नीचे उसके हम कैंडल्स जला देंगे तो फिर ये गर्म ही रहेगा, इसलिए इसकी मुझे टेंशन नहीं है। लास्ट में इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, और बस ये इसके ऊपर मैं डालूँगी। धनिया वगैरह बिल्कुल भी नहीं, कढ़ाई के ऊपर धनिया नहीं जाता, नहीं अच्छा लगता, तो मैं तो धनिया नहीं डाल रही। बस ये ऊपर हरी मिर्चें और अदरक डाल दिया। तो बस ये हो गया, रेडी हो गया। इसको भी मैं रख रही हूँ। और ये जो फ्रूट चाट के लिए चीज़ें काटी थी ना, इसका ये बनाया है हमने। 1 ग्लास ऑरेंज जूस, फ्रूटर का जूस लिया है, वो निकाला। फिर इसके अंदर चाट मसाला डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, और उसको अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून फुल भर के डाल रही हूँ शहद के। शहद जमा हुआ है, चीनी मैं नहीं ऐड करी, मैं शहद डाल रही हूँ। तो इसको अच्छा सा मिक्स करके ना, और ये अनार डाल दिए सारे। तो अनार भी बीच में वाइट वाइट ही थे, इतने कोई रेड खूबसूरत से अनार नहीं थे। तो बस वो जो ऑरेंज का जूस है वो इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी अच्छा सा। और ये इतना मज़े का जो है ना फ्रूट सैलेड कह लें, फ्रूट चाट की बहुत मज़े की सिंपल सी बहुत मज़े की लगती है। बहुत ज़्यादा चाट मसाला नहीं डालना, क्योंकि मसाले वाली नहीं बना रहे। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, 1/2 टेबलस्पून होगा या उससे भी कम, और थोड़ी सी काली मिर्चें। और ये फ्रूट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, और यहाँ पर मैंने गाजर का हलवा इस तरह से ट्रे में अरेंज करके तो खोया सारा उसके ऊपर डाल दिया था। इसको मैं क्या करूँगी कि बाद में ना मतलब जैसे अभी तो मेज़ पे रखा है मैंने पूरा एक वीडियो का क्लिप बनाने के लिए। मछली भी फ्राई हो गई है और वो पता नहीं क्लिप बना ही नहीं है, लेकिन खैर मैंने आपको मसाला लगाने का बता दिया था। फ़िश मैंने फ्राई कर ली थी और अब जो है ना ये यहाँ पर साग जो है वो तो बन चुका था, बस लास्ट में ही उसको मैंने ये तड़का लगाना था। ऑयल के अंदर अदरक, ये लाल वाली मिर्च और हरी मिर्च का बघार, ये बहुत मज़े का लगता है। तो बस जब सर्विंग का टाइम था तो मैंने ऊपर ये तड़का इसका बना कर लगा दिया, इसको बघार लगा दिया और ये भी रख दिया। तो यहाँ पर सूप जो है अब ये मैंने दोबारा थोड़ा इसको, ज़ाहिर है सूप तो गरम गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चूल्हा हल्का हल्का मैंने दोबारा से इसका जला दिया था और इसको भी मैं अब डाल कर तो सारी चीज़ें बस अब रख रही हूँ, क्योंकि मैंने रेडी भी होना है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं होना है, इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन फिर भी चेंज करना है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ये सारे काम फटाफट कर लूँ। गेस्ट हमारे आने वाले हैं और रास्ते में फ़ोन पे हमने कंफर्म कर लिया था कि कितना टाइम लगेगा। तो बस अभी जो है ना ये मैं फटाफट से सूप भी जो है ये डाल कर तो रख रही हूँ। ये जो सूप में ये आपको नज़र आ रही है, मैंने सोया सॉस, वोस्टरशायर सॉस मिक्स करके उसके अंदर ग्रीन अनियन डाला, फिर सिरके के अंदर हरी मिर्चें डाली और चिली सॉस है। साथ फ़िश क्रैकर्स भी, सूप क्रैकर्स वो भी मैंने कर लिए थे और ये बिरयानी का दम जो है वो खोल लिया था और अब जो है वो भी मैं डाल के रख रही हूँ। हाँ, मैं आपको गाजर के हलवे का बता रही थी कि ऊपर मैंने खोया सारा स्प्रेड कर दिया था। उसको फिर आप ओवन में रख के गर्म करें ना तो वो खुद ही सेटल डाउन हो जाएगा। तो मैंने अब इस वक्त हमारी गैस बहुत कम आ रही थी, इतनी सारी चीज़ों को बार बार गर्म करना ना मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन होता जा रहा था। तो बस फिर मैंने उसको स्प्रेड करके तो उसके ऊपर उसको फैला लिया था कि इसको एक दफ़ा ओवन में हम गर्म कर लेंगे, वो सेटल डाउन हो जाएगा। नान भी आ गए, रोगनी नान और पराठे रहते थे वो भी मैंने मंगवाए हुए थे लेकिन वो अभी तक आए नहीं थे। शामी कबाब भी फ्राई हो गए थे और कुछ चीज़ें अभी जो थी ना बस वो आने वाली थी, मतलब 1-2 मिनट के अंदर आ जाएंगी, लेकिन मुझे अभी अपनी वीडियो को भी कंप्लीट करना था, आपको भी दिखाना था इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये हमारी रायता, चटनी वगैरह भी सब कुछ रेडी था, सब कुछ तैयार हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है ना ये उतना ही मज़े का बना भी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो और कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये हमारा फ्रूट सैलेड भी बहुत मज़े का बना, सब कुछ ही मज़े का था। और ये देखें, ये हरी मिर्चें, सिरका, ये चिली सॉस और ये सोया सॉस के अंदर ग्रीन अनियन मैंने कट करके डाला था। और जो थे ये सिंपल वाले नान रखे थे, लेकिन अभी रोगनी नान और मैंने इसके साथ पराठे भी मंगवाए थे। घर में तो पकाने बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थे क्योंकि गैस बहुत कम थी, तो वो बस आने वाले थे। और बहुत मज़े का ये जो फ़िश का मसाला लगा हुआ था, फ़िश भी बहुत मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर सब कुछ रेडी है। कुछ चीज़ें मुझे साथ में ना छोटी वाली टेबल लगा कर अरेंज करनी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी। तो मैं हो गई हूँ तैयार और सिंपल सा रेडी हुई हूँ, क्योंकि आपको पता है जब आपने खुद अकेले सब कुछ करना हो, पूरी दावत का इंतज़ाम करना, तो इतने सारे काम होते हैं ना कि बाजू का तो कपड़े बदलने का टाइम भी नहीं मिलता। तो अभी मेरे कपड़े आयरन हुए थे, सिंपल से मैंने कपड़े पहने। ये ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बस सिंपल सा मैंने ड्रेस पहना है और बस क्या लगाया है, थोड़ी सी चेहरे को थोड़ा सा फ्रेश किया है, लिपस्टिक लगाई है और हाँ ज्वेलरी पहन ली है। ज्वेलरी इसलिए पहन ली है कि थोड़ी सी फ्रेश लुक आ जाती है, वरना काम कर कर के जो हालत हो जाती है ना वो फिर आपकी चेहरे पे सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। तो ऐसा भी तो ना हो कि आपने गेस्ट बुलाए हो लेकिन आप खुद इतने मुरझाए हुए और एनर्जेटिक ही ना लगे और ऐसे लगे कि बस पता नहीं क्या हो गया, काम कर कर के आप की मत ही मारी हुई है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसलिए ज्वेलरी पहन ली और थोड़ा सा फ्रेश हो गई। और लास्ट में मैंने ये चेंज किया क्योंकि अभी ये सारा कुछ जब मैं डाल रही थी डोंगों में, सब कुछ करते करते कुछ ना कुछ छींटे पड़ जाते, तो फिर मैंने सब कुछ मेज़ पे रखा। फटाफट मैं 2 मिनट वाला रेडी हुई हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट से हो गई हूँ तैयार। अच्छा, तो दावत किसकी है? दावत है हमारे फैमिली फ्रेंड्स की। जब फैमिली फ्रेंड्स की दावत होती है ना तो बड़ी एक्साइटमेंट सब पूरे घर वालों को होती है, क्योंकि आपके हस्बैंड के दोस्त भी होते हैं, वाइफ के दोस्त भी होते हैं, आगे बच्चों के दोस्त भी होते हैं। तो फिर वो जो है ना एक एक्साइटमेंट भी होती है और बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी होता है और सारे बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस मैं मेरे मोबाइल कि ये जो है ना बिल्कुल डेड लाइन है, कब से रिकॉर्डिंग कर करके सारी रेसिपीज़ रिकॉर्ड की, सब कुछ किया, तो इसलिए मैंने सोचा मैं फटाफट से ना आपको बता दूं। और फिर इसको लगाते हैं चार्जिंग पे। गेस्ट हमारे बिल्कुल बस पहुंचने वाले हैं और उसके बाद शायद मैं आपसे शेयर कुछ ना कर सकूं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं फटाफट आपके साथ इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट आपसे बात कर लूँ और आपको बता दूँ कि दावत किसकी है। और बहुत मज़े मज़े के खाने मैंने बनाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर बताइएगा कि ये जो आज की वीडियो है मेरी, ये आपको कैसी लगी। तो बस अभी मैं फिर देखती हूँ, गेस्ट आने वाले हैं और बाकी की चीज़ें फटाफट से जो रह गई हैं उनको मैं रखती हूँ।